जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वेलकम है मेरे चैनल पे। होप्स आपको पहली वीडियोस भी अच्छी लगी हों। तो आज की वीडियो जो है वो भी मैं अगेन जो अपनी रूटीन में अपने आप की केयर करने के लिए वो आप सबके लिए लेके आई हूँ, मतलब बालों के लिए और जो है आप अपनी स्किन के लिए कैसे केयर कर सकते हो अपनी इतनी टफ रूटीन में भी। तो चलें जी हम रेमेडी की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको सब बताती हूँ। चलें जी। हाँ जी, यहाँ हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। होप सो सबके घर में जो है एलोवेरा समटाइम नहीं भी लगी होती तो आप जो दूसरी जैसे वो पड़ी हुई है पास मेरे वो एलोवेरा नहीं है, खैर उसमें मैंने कुछ और डाला हुआ है, मैं आपको सेकंड बताती हूँ। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर लें। बाकी इसको मैं जो है ना एलोवेरा को अभी सही फॉर्म में लेके आती हूँ। यहाँ हमारे पास जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है चावलों के ऊपर से जो उतरती है जिसे कहते हैं हम पिच कहते हैं, और जो भी चावल बॉईल करके जब हम उतारते हैं तो उसे मैंने इस जो है ना कंटेनर में, मतलब ये मेरी जल की जो है खाली थी तो मैंने इसमें ये डाला हुआ था। तो ये 2-3 दफ़ा आप इजीली फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो वीक में। तो मैंने कल ही जो है वो रखा हुआ था, अभी मैं इसको जो है एलोवेरा की फॉर्म में लेके आती हूँ। जी ये मैं ले आई हूँ एलोवेरा को जो है वो इसमें डाल के मैं करूँगी थोड़ा सा। आप चाहे आपके पास जग है जिसे आप जो है मिल्क शेक वगैरह या कुछ भी जो आप जूसर मशीन जिसे कहते हैं जूसर मशीन, तो आप ये है कि उसमें डाल के आप ग्राइंड कर सकते हो। जी यहाँ हमने जो है वो निकालिए, ये हमारा पूरा प्रोसीजर जो है वो बालों के लिए है। लेकिन जो एलोवेरा जेल है वो जो आप थोड़ी सी जो है 3 से 4 चम्मच जो हैं उन आपने एलोवेरा निकाल के ये रख लेनी है। ये मैंने साइड पे रख ली है दूसरी जो है स्किन केयर के लिए, ये अभी हम बालों के लिए कर रहे हैं। अब इसमें जो ये लाइक कंडीशनिंग की टाइप पे जो हमारे बालों के लिए यूज़ होगा मास्क टाइप, वो मैंने उसमें एलोवेरा में डाल दिया है। ये आपके बालों को बहुत स्मूथ करेगा और जी इतना अच्छा और शाइनी सॉफ्ट कर देता है। बात ये होती है ये छोटी छोटी जो रेमेडीज़ होती हैं ना, इसका ये होता है कि इससे आपकी चीज़ जो बालों को जो आप एक पॉलर्स में जाके मतलब एकदम कहते हैं कि बस हो जाए, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होती है। और इसमें अगर सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बात ये होती है कि नुकसान भी नहीं होता। तो बात ये है कि मैं प्रेफर ज़्यादातर रेमेडीज़ को ही करती हूँ कि आप उसे आप केयर कर सकते हो, एकदम रिज़ल्ट नहीं आता, आप करते रहो चीज़। और केयर ज़रूरी है, मतलब आप पूरा 1 महीना छोड़ के 1 दिन चले जाओ तो जी खैर चले, हम अपनी बात में वापस आते हैं। जी यहाँ मेरा वो बालों के लिए तैयार हो गया, आपने ये अब बना लिया, इसको आपने अपने बालों पे लगा के और जो आपने शॉपर बैग अगर आपके पास कैप है आप कैप डाल लो और ये लगा के बालों को, इतना होता है कि आप सूखे बालों को ईजिली लगा के आप उतनी देर में ये इसको रख दो। जी यहाँ हमारी दूसरी रेमेडी के लिए चीज़ें सारी रेडी हैं। यहाँ जो है मतलब ये हमने अपनी स्किन केयर के लिए करना है, ये आप इजीली अपने कामों में से टाइम निकाल के कर ले तो ये सारी चीज़ें आपकी किचन में होती हैं। फर्स्टली आपको जौ का आटा चाहिए, सेकेंडली आपको जो है कॉफ़ी ब्लैक है या ये वाली है जो भी है वो चल जाएगी, और एलोवेरा जो हमने वो रखी थी वहाँ से फ्रेश आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हो। ये स्किन के लिए आप सबको ही पता है कितनी इफ़ेक्टिव है। और जी यहाँ हमें 1 चम्मच शहद चाहिए जो जी हमारी स्किन को वाइटनिंग और सॉफ्ट बनाता है, और जौ का आटा जो है ये ऑल्सो हमारी जो स्किन है वाइटनिंग भी करता है, और जो स्कार्स होते हैं ना समटाइम एज मिरेकल्स होते हैं इनको भी ये ख़त्म करने में हेल्प करता है। यहाँ हम जो है सारी चीज़ों को यहाँ हम रख के अब एक जो है हमने जो काटा मैंने इसमें डाल दिया, इसको 2 चम्मच इनफ होंगे, आप इसको एलोवेरा वाले में डालें। सेकेंडली आप 1/2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंगली जो है ना, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, मुझे पता है कि 1/2 टेबल स्पून ही है तो आप ये फिक्र ना करिए मैं वैसे ही डाल रही हूँ, लेकिन आपने 1/2 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें डाल देनी है। कॉफ़ी ब्लैक हो तो ब्लैक, बाकी यहाँ शहद जो मैं इसमें ऐड करके अब जो है ना खुद ही लेके आती हूँ अभी। जी यहाँ हमारा मास्क जो है बिल्कुल रेडी है, और इसकी आप देखिएगा ये पिच कितनी कमाल की है, देखिए इसकी मतलब ये बड़ा मतलब
लगाने में भी, अब जब लगाओगे ना तो आप मुझे इसके बेनिफिट भी, आप मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जो मैं रेमेडीज़ बनाती हूँ आप प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मैं ये खुद ट्राई करती हूँ और मुझे इसका जो है इफ़ेक्ट होता है। एकदम नहीं हर चीज़ का हो जाता, लेकिन चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होता है। तो ये मेरी जो है, ये आपने मास्क, पहले आपने हेयर मास्क मास्क लगा लेना है, बाद में जी आपने जो है ये लगा के इसको इजीली रख लेना है। और बात ये आ जाती है कि जी इसको आपने 15 से 20 मिनट, अभी क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप मतलब ज़्यादा टाइम लगा लेंगे तो बहुत मतलब उल्टा इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि हाँ, सम टाइम हम बहुत, ये भी एक बात पॉइंट है, हम बाज़ ऐसी रेमेडीज़ को बहुत टाइम भी लगा के रख के छोड़ देते हैं। बात ये है कि वो उसका रिज़ल्ट उल्टा भी शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें टाइम लिमिटेड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, तो ये जी आपको उसको केयर करना होता है। चलें जी, हमारी रेमेडी हुई ख़त्म। आपको होप्स हो जो है मेरी रेमेडीज़ अच्छी और इफ़ेक्टिव लगती होंगी। तो ये भी मेरा ही बस एक कोशिश थी कि आप अपने रूटीन में, टफ रूटीन में जो हैं, घर में हाउसवाइफ होती हैं वैसे होती हैं, जो मतलब कोई काम वगैरह नहीं होता, जो घर में रहते हैं, वो एटलीस्ट अपनी केयर जो है आप करते रहें। काम भी ज़रूरी हैं, वो भी आप साथ साथ करते रहो, लेकिन बात यह कि अपनी केयर बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आप तब तक किसी से आप वो प्यार या वो चीज़ नहीं कर सकते जब तक आप खुद से ना करो। चलिए जी, जी थैंक यू, यहाँ अल्लाह जो हाफिज़। है आपको सच ये भी बैठे बैठे बता दूँ कि पाँव की भी मतलब केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो उसकी वजह से हमें ये चाहिए कि जो पाँव की केयर कैसे करें जी, एक्स्ट्रा हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ होती है, ये जो बचेंगे इनके ऊपर ना समटाइम काफ़ी ज़्यादा जाल वगैरह ना वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ है कि इसको फिर हमने पाँव पे लगाना है, और नाउ जी इसको रैप करके, मेरी बहन इतनी ऊँची बोल रही है बाहर। अच्छा जी, ये रैप करके ये आपने पाँव पे ये रैप कर देना, जिसे हम समटाइम कवर करते हैं अपनी रेसिपीज़ को भी। इसको ये जो भी, हाँ जी, फूड फ्रेश के लिए हम मतलब यूज़ करते हैं। तो ये रैप जो है, आप ना हो तो सिंपली जी शॉपर बैग जिंदाबाद, तो हमें भी, क्योंकि जी पाँव की केयर भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि और इससे ये चीज़ हो जाएगी कि आपके जो पाँव पे जो भी एक्स्ट्रा पाँव ही गंदे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी और फेस स्किन सबसे ज़्यादा जो है ना डस्ट हमारे पाँव के हमें चलना होता है। तो बात ये है कि जी जो है इनके लिए फिर हमें ये, इससे ये चीज़ रैप से ये चीज़ होती है कि ये एक एक तो इनको जो है ना वो थोड़ा डंपा जाता है, और जो भी मेल्क चेयर जो डस्ट होती है ना, इसको बाद में बस आपने थोड़ा सा जी वो जो कूचा होता है उसके साथ कूच कूचा करके, तो जी बस इनकी स्क्रबिंग कर लें। और अगर जो मैंने आपके लिए वो फेस पैक वो जो सारी चीज़ें बनाई हैं, तो उनको हमने जब ऑलरेडी फेस पे लगाना है, तो अगर एक्स्ट्रा बना के आप इसी तरह इसके ऊपर भी आप वो लगा लें, तो इस तरह रैप कर लें, तो ये भी बेस्ट हो जाएगा। चलो जी,